बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जून 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि कोर्स आपका थर्ड है यहाँ पर। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये है लर्निंग एंड टीचिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो ये आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पर हम नोट में काफ़ी सारी चीज़ें देख लेंगे। नोट में दिया है अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल सेक्शन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका कंपलसरी पार्ट है, उसमें आपको चूज करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो पार्ट 1 है उसमें ईच क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन हुए। और टोटल नंबरों की बात करें तो 16 मार्क्स का आपका पूरा पोर्शन रहेगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंडॉक्ट्रिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन है यूजेस ऑफ ICT। थर्ड क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग। फोर्थ क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन, इन्हीं को हम हिंदी में देख लेंगे। पहला है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणियों में, पहला है प्रशिक्षण एवं प्रतिपादन में अंतर। उसके बाद बी है ICT के लाभ। तीसरा है मस्तिष्क उद्वेलन। चौथा है उपचारात्मक मूल्यांकन। तो जो चीज़ इंग्लिश में थी वही हिंदी में आपको बताया है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट यानी इकाई प्रथम की बात करें तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, आप दोनों में से एक करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग एंड देयर फंक्शंस, यानी शिक्षण के विभिन्न चरों का उनके कार्यों सहित वर्णन कीजिए। ये आपका ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं करना है तो आप अथवा यानी और वाला सेकंड क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, जो कि है प्रोवाइड अ कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट द मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी स्मृति बोध तथा चिंतन स्तरों पर आयोजित शिक्षण अधिगम के बारे में एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से इन दोनों में आप एक चॉइस, जो भी आप चॉइस करते हैं उसी का आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे। यूनिट 2 यानी इकाई द्वितीय है आपकी, इसमें तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म टीचिंग मॉडल, डिस्क्राइब द ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। यानी ग्लेजर जो है उनके बेसिक टीचिंग मॉडल को बताना है, यानी हिंदी में इसे देख लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। तो यूनिट 2 का ये 3 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। इसमें ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, तो दोनों में से आप कोई भी चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं आंसर। तो और यानी अथवा में देख लेते हैं व्हाट इज टीचिंग स्ट्रेटर्जी, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टैक्टिक, एक्सप्लेन इन डिटेल। यानी शिक्षण व्यू रचनाएं क्या हैं, वे शिक्षण विधियों और शिक्षण युक्तियों से किस प्रकार भिन्न हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन हो गए, और दोनों में से आप जो भी चॉइस करते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। उसके बाद हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे। यूनिट 3 यानी इकाई तृतीय है इसका 4th क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 4 है डिस्कस इन डिटेल द वेरियस मोड्स स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग, यानी ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूप एवं शैलियों के बारे में विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो इस तरह से यूनिट 3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि आपका 16 मार्क्स का है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, आप दोनों में से कोई क्वेश्चन
का आंसर दे सकते हैं। तो और यात्वा में दिया है थ्रू लाइट ऑन पियागेट्स इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन, यानी पियाजे के व्यक्तित्व रचनात्मकतावाद पर प्रकाश डालिए। तो ये हो गए यूनिट 3 के 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट 4 देखेंगे। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, यानी दोनों में से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी का भी आंसर दे सकते हैं, बस शर्त है आप दोनों का आंसर मत लिखिएगा। तो यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ट बाय इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता और महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका 16 मार्क्स का है और इसमें और करके दिया, यानी अथवा में व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, डिस्कस इट्स नेचर एंड फंक्शनिंग इन डिटेल। यानी ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसकी प्रकृति एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, इसके 2 क्वेश्चन थे, ये आपका यूनिट 4 था। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जो कि था लर्निंग एंड टीचिंग पर। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत जल्दी हम इनके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जिसके बेस पे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।